गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग ब्राउज़र इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं और ये इवेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा आप लोगों के दिमाग में और होना भी चाहिए क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है, इवेंट्स। तो चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, जल्दी से एक नई फाइल बनाते हैं, tut57.html। ठीक है, तो यहाँ पर tut57.html मैंने बना दी है, उसके बाद मैंने बॉयलर प्लेट डाल दी है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा JS इवेंट्स और उसके बाद मैं लाइव सर्वर खोल दूंगा और मेरा जो लाइव है वो खुल जाएगा यहाँ पर वेब पेज। अब इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि इवेंट्स होते क्या हैं। तो इवेंट एक सिग्नल होता है कि कुछ हुआ है, एक सिग्नल कि कुछ हुआ है। जैसे कि आपने क्लिक किया अपने किसी बटन पे, मैंने ये वाले बटन पे क्लिक कर दिया, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया, सब्सक्राइब हो गया, ये एक इवेंट है। इसका कोई इवेंट लिसनर होगा इस पेज पर जो कि क्या करेगा, जब से आपने सब्सक्राइब किया तो यूट्यूब के सर्वर्स पे जाकर आपको सब्सक्राइब करा देगा मेरे चैनल से। तो ये क्या है, इसे कहते हैं इवेंट। अब यहाँ पर इस तरह के जो सिग्नल्स हैं उनको आप लिसन कर सकते हो। और कुछ बहुत ही पॉपुलर डॉम इवेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक की तो बात करी थी मैंने जिसका नाम है क्लिक, आपने बटन क्लिक किया और कुछ हुआ। अगर आप कभी कभी फॉर्म में कोई बटन क्लिक करते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाए, या फिर कभी कभी बटन क्लिक करके आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपका जो साइड बार है वो बंद हो जाए। इस तरह के आप एक्शंस को भी लिसन कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़े से कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं और यहाँ पर मैं जल्दी से एक लिस्ट बनाता हूँ इवेंट्स की। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्राउज़र इवेंट्स, और एक ब्राउज़र इवेंट मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ क्लिक है। क्लिक का मतलब सबको पता है क्या होता है। फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और ये एक इवेंट है जब आप माउस से राइट क्लिक करते हो, जब राइट क्लिक किया आपने तो ये इवेंट फायर होता है। और जब मैं बोलूँगा इवेंट फायर होता है उसका क्या मतलब है, इवेंट फायर का मतलब है कि इवेंट हुआ। ठीक है, इवेंट हैज़ अकर्ड या फिर इवेंट हैज़ फायर्ड, इसका मतलब कि आपने वो इवेंट किया। क्लिक इवेंट हैज़ फायर्ड मतलब आपने क्लिक किया किसी बटन पे, किसी भी चीज़ पर। तो यहाँ पर एक और मैं बात करता हूँ माउस ओवर की, फिर माउस आउट की। और माउस ओवर या माउस आउट जो है उसका क्या मतलब है कि आपका जो माउस है वो बाहर निकला किसी एक एलिमेंट के। फिर माउस डाउन और माउस अप होता है, एक माउस डाउन और माउस अप। ठीक है, माउस डाउन माउस अप, और ये होता है कि जब आपका जो माउस बटन है वो प्रेस किया गया या फिर आपका माउस बटन जो है ऊपर आया। ठीक है, तो इसी तरह माउस ओवर जो था वो था कि एलिमेंट के अंदर लेकर जाना माउस, माउस आउट मतलब एलिमेंट से बाहर लाना माउस, माउस डाउन का मतलब कि आपने बटन दबाया। जैसे मैंने बटन दबाया अपना माउस का तो माउस डाउन फायर हुआ, अभी भी फायर है, जैसे मैं छोड़ूंगा माउस अप फायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माउस मूव होता है एक, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि रट्टा लगा लो आप लोग, ये तो माउस वाले इवेंट्स हो गए हमारे। फिर हमारे फॉर्म इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सबमिट होता है हमारे पास एक, और उसी के साथ साथ आपका एक फोकस होता है। फोकस क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी इनपुट टैग में फोकस किया तो वो फोकस इवेंट होता है। फिर एक हमारे पास होता है डॉम कंटेंट लोडेड, ये एक इवेंट होता है हमारे पास, जब आपका पूरा जो HTML की डॉम है वो लोड हो जाती है तो डॉम कंटेंट लोडेड फायर होता है। फिर उसके बाद CSS का अगर ट्रांजिशन करवा रहे हो तो ट्रांजिशन एंड एक इवेंट होता है। और अभी हो सकता है कि आप लोग बोर हो जाओ, आप लोग सोचोगे ये क्या क्या, इतने सारे इवेंट कौन देखेगा इनको, कौन लिसन करेगा। मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ आपको लिखवाएंगे, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, आप लोगों को थोड़ा सा डॉम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं div डॉट कंटेनर लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक h1 डालूँगा और h1 के अंदर मैं डालूँगा दिस इज़ माई हेडिंग, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टेल डालूँगा और लॉरम 233 लिखूँगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ। ठीक है, तो ये मेरा जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक बटन लगाऊंगा, ठीक है, और बटन के अंदर मैं एक आईडी दूंगा और उसका नाम रख दूंगा btn, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा शो हाइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शो और हाइड लिख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन को दबाऊँ तो ये मेरा शो या हाइड हो जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक इवेंट को लिसन करना पड़ेगा इस शो हाइड बटन पर। अब अगर आप लोग चाहें तो थोड़ी सी CSS लगा सकते हैं, क्योंकि CSS हमने ऑलरेडी पढ़ी दी है, तो क्यों ना हम थोड़ी सी CSS लगा लें। मैं सिंपली यहाँ पर ये करूँगा, जो btn है उसमें क्या करूँगा, सबसे पहले तो पैडिंग डाल दूँगा 34 पिक्सल की, फिर कलर डाल दूँगा रेड,
और मे बी बॉर्डर डाल दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसी के साथ साथ और क्या किया जा सकता है, और कलर डाल सकते हैं इसका, वाइट कर सकते हैं, फॉन्ट वेट कर सकते हैं, बोल्ड कर लेना आप लोग। मुझे पता है कि बहुत ही हॉरेबल सा बटन मैंने यहाँ पर बना दिया है, लेकिन आप लोग जो है इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर नहीं, मुझे मैंने बैकग्राउंड रखना था इसको, ठीक है। ठीक ठाक दिख रहा है यार अपना बटन, कोई ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चार जो मैं ऊपर नीचे से रखूँगा उसको थोड़ा कम रखूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, 10 10 पिक्सल रखता हूँ इसको, और इसको रखता हूँ क्या, 14 पिक्सल, हाँ अभी सही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ये भी डाल सकते हो, बॉर्डर रेडियस भी डाल सकते हो, 8 पिक्सल की डाल लेना, जितनी मन चाहे डाल लेना, जैसी अच्छी लगे। देखो अच्छा बन गया बटन अपना, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे अगर, तो आप लोग चाहेंगे, और यहाँ पर कर्सर भी पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी आप चाहोगे कि अब आप इस पर क्लिक करो तो ये हाइड या शो हो जाए। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्लिक इवेंट को लिसन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप कुछ इस तरह से ऑन क्लिक डाल दो, ऑन क्लिक इज इक्वल टू आप हाइड फंक्शन को रन कर दो, ठीक है। तो आपने अगर ऐसा किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट डालूंगा और यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम मैं रखूँगा हाइड, और हाइड रखने के बाद इस फंक्शन का नाम मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id, और उसके बाद मैं रख दूंगा यहाँ पर btn, और उसी के साथ साथ ये btn मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं इसको लेट भी कर लेता हूँ, ये मेरा बटन आ गया। अब ये बटन के साथ साथ मेरा ये पैरा भी आ जाएगा, मैं यहाँ पर इसको एक आईडी दे देता हूँ पैरा नाम से, और मैं यहाँ पर इसको पैरा को भी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, और मैं इसका नाम टॉगल हाइट कर देता हूँ। टॉगल का मतलब होता है कि हाइट या शो करना, टॉगल टॉगल हाइट कर देता हूँ उसका नाम, ताकि मतलब क्लिक करूँ तो शो हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं अगर ये शो हो रहा है तो इसको हाइड करा दूंगा, ये हाइड हो रहा है तो इसको शो करा दूंगा, ठीक है। वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा पैरा डॉट स्टाइल डॉट क्या करूँ मैं, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो मैं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ पर नन इज़ नॉट डिफाइंड लिख कर आ रहा है, और मुझे इसको कुछ इस तरह लिखना है, ठीक है, स्ट्रिंग बनाकर नन लिखना है। देखो मैंने ये किया तो ये चला गया। अब मैं चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँ तो ये वापस से आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब लिखूँगा कि इफ, मैं कंडीशन लगाऊंगा, मैं कहूँगा पैरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज नॉट इक्वल टू नन, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आपको ये कर देना है, एल्स आपको क्या करना है, एल्स आपने इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है मुझे, मैं देखता हूँ कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो पैरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अभी नन है, ठीक है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू नन है तो ये नन हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये सॉरी मैंने यहाँ पर देखो ब्लॉक की स्पेलिंग गलत दिख दी, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो दैट शुड बी फाइन, मेरे हिसाब से ये काम करेगा। देखो बिल्कुल काम कर रहा है, ये इस तरह से जो है शो हाइड हो रहा है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने क्लिक इवेंट को लिसन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जिसकी मदद से मैं अपना जो क्लिक इवेंट है उसको लिसन कर रहा हूँ। मैं ऑन क्लिक लगा सकता हूँ, और जैसे ही क्लिक होगा तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू जो फंक्शन आपने लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने ऑन क्लिक लिखा है, मैं ऑन माउस ओवर करके और भी इवेंट्स लगा के मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑन के बाद, और ऑन उसके बाद इवेंट इज इक्वल टू फंक्शन लिख दूंगा तो फंक्शन जो है रन हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक बटन पे क्लिक करके एक फंक्शन को रन आप करा दें अगर तो अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई ज़्यादा जावास्क्रिप्ट लिख दें तो वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ किए हुए हैं, इसके अंदर आपने अगर कहीं भी डबल कोट यूज़ किया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस चीज़ से भी आप लोगों को बचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर इवेंट लिसनर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
और इवेंट लिसनर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई भी अगर माउस लेकर जाए तो एक अलर्ट आए कि माउस इनसाइड पैरा। मुझे पता है बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बट अगेन ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये पैरा को ज़रा बाहर लेकर जाता हूँ कॉपी करके। मैंने लिखा लेट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी पैरा, और मैं लिखूंगा यहाँ पर पैरा डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैं क्या इवेंट लिसन करूँगा, माउस ओवर। ठीक है, माउस ओवर इवेंट को लिसन करूँगा, और उसके बाद मैं लिखूँगा फंक्शन, और मैं उसके बाद क्या करूँगा, इस तरह से फंक्शन लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखो मैंने किस तरह लिखा है, ये यहाँ पर बंद हो रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ पर जो ब्रेस है वो यहाँ पर बंद हो रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रेस, और ये पैरेंथिसिस यहाँ पर खुल के यहाँ पर बंद हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने पैरा डॉट एड इवेंट लिसन लिखा, माउस इवेंट को लिसन किया, फंक्शन रन लिखा, और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो फंक्शन है वो रन होगा। तो मैं एक काम करूँगा, अलर्ट कर दूंगा, क्या लिखूँगा, माउस इनसाइड। ठीक है, तो देखते हो ये काम करता है कि नहीं। देखो माउस इनसाइड आ गया, ओके ओके किया मैंने, ओके करके अगर मैंने हटाया तो अभी बिल्कुल ठीक है, फिर से माउस लेकर गया फिर से आ गया अलर्ट, माउस इनसाइड, ओके किया हटाया, अब मैं वापस लेकर आया तो माउस इनसाइड आ गया। और उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं एक और इवेंट को लिसन करूँ, और मैंने आप लोगों को बताया था माउस ओवर के साथ साथ माउस आउट भी होता है, तो अगर मैं माउस आउट इवेंट को लिसन करूँ तब मैं यहाँ पर लिखूँगा माउस आउटसाइड, माउस नाउ वेंट आउटसाइड, ऐसे लिख दूँगा कि क्लियर रहे कि मतलब क्या चल रहा है। तो देखो माउस इनसाइड है, ओके किया हटाया, माउस इनसाइड, ओके किया, माउस नाउ वेंट आउटसाइड, ओके किया, नाउ इनसाइड, नाउ वेंट आउटसाइड, नाउ इनसाइड। अब ये चीज़ अगर कंसोल डॉट लॉग में करूँगा तो शायद ज़्यादा क्लियर हो, यहाँ पर भी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ एलिमेंट को, इसको ओके करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ, यहाँ पर देखो माउस इनसाइड, माउस नाउ वेंट आउटसाइड, माउस इनसाइड, माउस नाउ वेंट आउटसाइड, माउस इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। देखो यहाँ पर आप लोग जो है समझ गए होंगे यहाँ पर क्या किया मैंने। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस चीज़ को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, एड इवेंट लिसनर के अंदर कोई भी इवेंट डाल सकते हो और उस पर जो भी होना है वो आप करा सकते हो। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और सी एस एस को किस तरह चेंज करना है, ये आपको एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन आपने कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसको देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, देखो क्या कमेंट आउट किया मैंने, मैंने ये कमेंट आउट कर दिया, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली पैरा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और अब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं अभी भी इसको शो हाइड करूंगा तो देखो ये काम कर रहा है। अब आप सोच रहे हो इसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं बोला कि पैरा इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में, जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं हमारे, अगर आपने आईडी दे दी है पैरा की तो क्या होगा, तो जो पैरा है आपका वेरिएबल वो आपका इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ऑलरेडी एक ऐसा वेरिएबल आपका होता है ग्लोबल वेरिएबल जो कि आईडी के बराबर होता है, तो आप पैरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उस वाले पैरा को ले लेगा। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। और पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर आ गया है हमारा, क्योंकि आई डी इज इक्वल टू पैरा मैंने लिखी हुई थी, क्योंकि आई डी इज इक्वल टू पैरा मैंने ऑलरेडी दे रखा था, इसलिए पैरा मेरा आ गया है और इसीलिए यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर ऑब्वियसली मैं पैरा को कुछ और कर देता, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, ये ना करके अगर मैं कुछ ऐसे कर देता लेट पैरा इज इक्वल टू टू, तब वो पैरा ओवरराइट हो जाता, तब देखो यहाँ पर एरर मिलेगा मुझे। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो कह रहा है डिस्प के नॉट रीड प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या रहेगा, पैरा डॉट स्टाइल, यानी कि टू डॉट स्टाइल अनडिफाइंड रहेगा, तो ये नहीं करना है हमको। बट अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग कुछ इस तरह से करो, आप अलग से इसको गेट एलिमेंट बाय आई डी फंक्शन का इस्तेमाल करके अलग से लिखो, एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्राउजर इवेंट्स और इवेंट्स को किस तरह लिसन करना है, और हम लोग जो है इनको यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट्स में, अपनी वेबसाइट्स को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे आपको रटने नहीं है इवेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट अगेन एक बार और बता दिया आप लोगों को। और ये प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको क्लिक करके बुक मार्क करें या क्लिक करके इसको एक्सेस कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसको आप एक्सेस करके इस प्लेलिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.